जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर शुरू हो चुकी है। कल सुबह मोदी सरकार का तीसरा और 2019 से संभवतः ये आखिरी कैबिनेट फेरबदल होगा। उससे पहले हमारे साथ हर उस राज्य के रिपोर्टर मौजूद हैं, तमाम राज्यों के दिग्गज मौजूद हैं जहां के सांसदों को या तो कैबिनेट में जगह मिलने वाली है या फिर उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बाहर किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं मंत्रिमंडल फेरबदल की बड़ी बातों से कि अब तक क्या कुछ हो चुका और बड़ी बातें क्या हैं। कल सुबह जो कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है, कल सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह फैसला करके जा रहे हैं। अब तक 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, तमाम राजीव प्रताप रूड़ी, बंडारू दत्तात्रेय, तमाम मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री, नए रक्षा मंत्री के नाम पर अब भी सस्पेंस है। अरुण जेटली इस्तीफा देंगे तो फिर नया रक्षा मंत्री कौन होगा? कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जिन मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार है, ज्यादा पोर्टफोलियोज हैं, उनकी जिम्मेदारी कुछ कम की जा सकती है। 10 से 12 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। और इसके अलावा किन किन मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तमाम वो मंत्री जो इस्तीफा दे चुके हैं, राजीव प्रताप रूड़ी कौशल विकास मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा महेंद्रनाथ पांडे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए, इस लिहाज से शिक्षा राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। संजीव बालियान जल संसाधन राज्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। संजीव बालियान 3। चौथे कलराज मिश्र सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री, कह रहे हैं कि उम्र की वजह से 75 हो गए थे, इस वजह से इस्तीफा दे दिया। फग्गन सिंह कुलस्ते स्वास्थ्य राज्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कुल 6 अब तक दे चुके हैं, ये उन्हीं के नाम है। बंडारू दत्तात्रेय लेबर मिनिस्टर, ये भी श्रम मंत्री जो हैं वो भी इस्तीफा अपना दे चुके हैं। और कल सुबह 10 बजे और हमारे साथ विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है और हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ चुके हैं अमित शाह के घर के बाहर, जहां पर बैठक भी बताया जा रहा चल रही है। विकास, क्या खबरें निकल कर आ रही है वहां से? ये देखिए, मौसम सुहावना है और सुहावनी खबर का बीजेपी में एक बड़ा तबका इंतजार कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनको उम्मीद है कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में उनको शामिल किया जा सकता है। तकरीबन 10 मंत्री कल 3 तारीख को 10 बजे शपथ लेंगे और उससे पहले लेकिन बुलावे का इंतजार है इन लोगों को अमित शाह के घर 5 बजे के बाद। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 बजे के बाद अमित शाह के घर उन संभावित मंत्रियों को बुलाया जा सकता है चाय पीने के लिए, जो कल शपथ लेंगे। तो ऐसी सूरत में हमें भी इंतजार है ऐसे उन संभावित मंत्रियों के आने का जो कल शपथ लेंगे, और उनको भी इंतजार है। बहुत सारे संभावित चेहरे हैं जो हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या कॉल आना शुरू हो गए हैं, किसी को कॉल किया गया है क्या अमित शाह की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। तो इंतजार सबको है कल 10 बजे शपथ लेने का और उससे पहले अमित शाह के घर बुलावे का। अभी जो हालात हैं वो ये हैं कि इससे अब से करीब 2 घंटे पहले दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा यहाँ पर आए थे, जाट नेता हैं, और ये कयास लगाए गए कि प्रवेश वर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन हमने अपने सूत्रों को जब टटोला तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि प्रवेश वर्मा मंत्री बन सकते हैं। हालांकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री को लेना है, लेकिन सूत्र इस बात से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो अभी बना हुआ है वो देश के नए रक्षा मंत्री को लेकर बना हुआ है। जो 3 प्रमुख नाम सामने उभर कर आ रहे हैं उसमें एक नाम सुरेश प्रभु का है, जो कि रेल मंत्रालय से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम माथुर का है, जो लगातार बीजेपी के कई राज्यों के संगठन के प्रभारी रहते हुए बीजेपी को चुनावों में जीत दर्ज करा चुके हैं। आखिरी जीत उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को दर्ज करवाई थी, जहां भारी बहुमत बीजेपी को मिला था। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। काफ़ी हाई प्रोफाइल मंत्री हैं, लो प्रोफाइल रहकर काम करते हैं। लेकिन चौथा नाम कौन है, ये इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल जो बैठक हुई थी, 4 प्रमुख मंत्री जिसमें शामिल थे, प्रधानमंत्री के निर्देश पे वो बैठक हुई थी और उनसे कहा गया था कि अगला रक्षा मंत्री कौन हो। तो ये भी हो सकता है कि एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं विकास, पहले वो हम बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी विकास भदौरिया दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री को लेकर 3 नाम इस वक्त चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से विकास भदौरिया जानकारी दे रहे हैं, ओम माथुर, इसके अलावा सुरेश प्रभु और नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास पहले से कई मंत्रालय हैं नरेंद्र सिंह तोमर के पास, उनका नाम भी चल रहा है। राजकिशोर जी, ये 3 नाम या कोई और? देखिए, जिस तरीके की ये पोस्ट है,
अगर आप देखें ये CCS पोस्ट है सुरक्षा समिति की, रायसीना हिल्स की जो चार सबसे अहम पोस्ट होती है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, उस लिहाज से अगर देखें तो सुरेश प्रभु को अगर छोड़ दें तो अनुभव के लिहाज से बाकी दोनों नाम बहुत ही हल्के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ठीक है, मोदी सरकार ऐसे फैसले लेने के लिए जानी जाती है, हो सकता है वहां तक ले जाए। लेकिन जहां तक कल तक की चर्चा की बात थी और ये लगातार रक्षा मंत्री को लेकर ही पेंच फंसा हुआ था कि अरुण जेटली का विकल्प कौन हो, क्योंकि अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय भी है, तो एक बात ये चल रही थी कि आप वित्त मंत्रालय से उनको रक्षा मंत्रालय में पूरी तरीके से यहाँ भेज दिया जाए, लेकिन फिर वित्त मंत्रालय में कौन आएगा, तो उस समय पीयूष गोयल का भी नाम चल रहा था, लेकिन इसकी भी संभावना कम जताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर अगर दोनों मंत्रालय उनके पास नहीं रहते हैं तो इन तीनों नामों के अलावा और कोई चौंकाने वाला फैसला हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर इन तीनों की बात होगी तो सुरेश प्रभु सबसे सशक्त नाम आता है। और एक बात और, सुरेश रेल मंत्रालय में जिस तरीके से अभी हालिया दिनों में घटनाएं हुई हैं, ऐसे में उनका रक्षा मंत्रालय ले जाना कितना अच्छा संकेत होगा, क्योंकि दुर्घटनाओं के लिए रेल जानी जाती रही है, भी इधर जानी नहीं जाती रही, मतलब चर्चा ऐसी लगातार रही है। ऐसी स्थिति में रक्षा में उनको क्या भेजा जाएगा, यह भी एक देखने वाली बात है। आपने रेल मंत्रालय का जिक्र किया, जेडीयू का मामला प्रकाश अभी तक फंसा हुआ है, किसी त्यागी कह रहे हमको बुलाया ही नहीं गया और अब तक सूचना नहीं दी गई है, ये क्या रेल मंत्रालय मांग रहे हैं, इस वजह से कुछ फंसा हुआ है क्या? दरअसल ऐसा देखा गया है कि जब दो ट्रेन अलग अलग दिशाओं से आती है और एक स्टेशन होता है जहां पर दोनों की ट्रेन मिलती है, तो ये वही बात है कि जेडीयू के तरफ से क्या प्रपोजल है और बीजेपी के तरफ से, ये अंदर की बात है कि कैसे उन लोगों की बातचीत हो रही है। लेकिन साफ सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि केसी त्यागी बयान दे रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, तो शायद इसे गले उतार पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन एक बात है कि रेल मंत्रालय जो अभी फिलहाल खाली है उस पर सबकी निगाह टिकी हुई, खासतौर से बिहार की जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो रामविलास पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर नीतीश कुमार जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होने जाने वाले थे। नहीं विकास, लेकिन अब तो 18 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है मंत्रिमंडल विस्तार में, सुबह 10 बजे होना है और अब यहां पर देख रहे हैं हम 18 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, बुलाना होता तो अब तक बुला लिया जाता। जी हाँ बिल्कुल, बुलाना होता तो अब तक बुला लिया जाता, लेकिन ये हमेशा से होता रहा है कि जब अमित शाह को अपने घर बुलाना होता है तो वो कुछ मिनटों पहले या कुछ घंटे पहले फ़ोन करते हैं, जो लोग दिल्ली में उपलब्ध होते हैं वो उस चाय पार्टी में आ जाते हैं, चाय पीने के लिए आ जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो बाद में पहुँचते हैं। और ये पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कुछ मंत्री नहीं पहुँच पाए थे पिछले विस्तार के समय और वो अगले दिन जब शपथ ग्रहण थी उसी समय सीधे दिल्ली पहुँचे थे और उसमें से एक राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थे। तो ये अक्सर होता रहा है, पत्ते आखिरी वक्त तक छुपा के रखने की जो कला है मोदी और शाह की जोड़ी की, उससे हम पत्रकार सबसे ज़्यादा हलकान हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लगातार मेहनत करने के बाद एक छोटी सी खबर हाथ में लगती है और उस पर भी संशय लगातार बरकरार रहता है, क्योंकि कई बार सूत्र को भी पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं होती है। तो खबर निकालने के लिए एक बात कहनी पड़ेगी, मोदी राजीव रंजन को जानकारी हो, नाको चने चबा दिए। जी हाँ, आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी है लेकिन राजीव रंजन को जरूर जानकारी होगी, वो क्या कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता, एक बार सुन लेते हैं। मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन, उसका रिसफल, लोगों का इंडक्शन, ये पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और इस पर हम केवल ये उम्मीद जता सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने अब तक जो भी मंत्रिपरिषद के गठन से लेकर पूर्व के विस्तार में उन्होंने क्षेत्रों का, राज्यों का भाषाई आधार पर और लैंगिक जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर जो कैबिनेट का गठन किया है वो निश्चित तौर पर काफ़ी न्यायपूर्ण तरीके से किया है और वो सिलसिला जारी रहेगा। इससे हम सब आश्वस्त हैं कि हम लोगों के साथ भी जनता दल यूनाइटेड जो कि अब एक गठबंधन के तौर पर जुड़ चुका है NDA के साथ, तो हम लोगों को भी भागीदारी का अवसर मिल पाएगा। तो आपने सुना, उम्मीद जता रहे हैं कि भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन शाम के 4 बज चुके हैं, कल सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अब तक जानकारी, औपचारिक जानकारी दी ही नहीं गई है। जेडीयू को रक्षा मंत्री को लेकर पेंच फंसा हुआ है,
लेकिन यूपी से भी कई खबरें आ रही है। संजीव बालियान का इस्तीफा, उमा भारती का इस्तीफा, तमाम नेताओं के इस्तीफे हो चुके हैं। यूपी को क्या मिलने वाला है? पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए यूपी में हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, क्योंकि यूपी में भी सरकार हो गई है बीजेपी की, और आपको पता ही है 80 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार अपना दल के साथ मिलकर उन्होंने 73 सीटें जीती थी। तो सबसे बड़ी चुनौती यूपी में क्षेत्रीय के साथ साथ जातीय संतुलन भी बनाना है। महेंद्र नाथ पांडे ने तो इस्तीफा दिया, एक पद और के चलते वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। वहाँ पर पिछड़ी जातियों की वजह से बहुत बड़ा फायदा मिला था विधानसभा चुनाव में। अब ब्राह्मण एक डिप्टी सीएम भी हैं, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं, ठाकुर वहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो पिछड़ी जातियों को एडजस्ट करने की बात होगी। देखना पड़ेगा महेश शर्मा, मनोज सिन्हा में से इन दोनों को प्रमोशन मिलता है या क्या होता है। कलराज मिश्र की जगह अगर ब्राह्मण को अगर उनको हटाया जा रहा है तो कैसे एडजस्ट करेंगे? बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। हम सब सिर्फ संभावनाओं पर विचार करें, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पता है कि यूपी के लिए वो क्या करना है। और अमित शाह के घर पर मौजूद है विकास भदौरिया। विकास, यूपी को क्या मिलेगा? ये देखिए, कम से कम दो मंत्री बनेंगे, तीन मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं और ऐसी सूरत में कम से कम दो मंत्री आएंगे। एक जाट मंत्री आएगा और एक ब्राह्मण मंत्री आएगा। हो सकता है कि प्रधानमंत्री तीन मंत्री भी दे दें, लेकिन जो अभी तक सूत्र इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक 10 मंत्री जो नए शपथ लेंगे उसमें से दो मंत्री कम से कम उत्तर प्रदेश से आएंगे। और उसके अलावा जो चुनावी राज्य हैं, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक में अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस साल नवंबर दिसंबर में गुजरात के साथ चुनाव होने हैं। तो हिमाचल प्रदेश से और कर्नाटक से जो मंत्रिमंडल में है उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। कर्नाटक से सुरेश अंगड़ी और शिव कुमार उदासी को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी लिंगायत समुदाय के नेता का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से अगर बात यूपी की अगर बात करें पहले, तो आप कह रहे हैं कि दो मंत्री बन सकते हैं, दो लोगों को पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, एक जाट जिनका आप सत्यपाल सिंह भी शायद वो नाम हो सकते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश, क्योंकि चुनावी राज्यों का गणित भी बिठाना है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भी अपनी गोटियां फिट करनी है, उस लिहाज से मध्य प्रदेश से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप लगातार उनको फील्ड में देखते हैं। ब्रिजेश राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मिलने जा रहे हैं मध्य प्रदेश को? ब्रिजेश, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर मोदी की बड़ी कृपा होती है, और बड़ा इस मंत्रिमंडल की बात करें तो 5 मंत्री सीधे सीधे मध्य प्रदेश के कोटे से हैं, मगर अनिल माधव दवे के निधन और फग्गन सिंह कुलस्ते की विदाई के बाद अब देखना है कि मध्य प्रदेश से कौन लोग अंदर आ रहे हैं। अभी तक जो हमको खबरें हैं उसके हिसाब से प्रहलाद पटेल या राकेश सिंह, और मजे की बात ये होगी कि दोनों बहुत किसको अंदर एंट्री मिलती है। प्रहलाद पटेल का ने मणिपुर में जो काम किया है उसके चलते उनको इनाम मिलने की संभावना है, और राकेश सिंह वो शख्स हैं, वो जबलपुर के सांसद हैं जिनकी अमित शाह से बड़ी करीबी है। और मजे की बात है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, मगर दोनों इन दोनों अलग अलग नावों पर सवार हैं, तो देखना है कि इन दो में से किसकी एंट्री होती है। और एक जो नाम चल रहा है वो उसमें प्रभात झा भी हैं, क्योंकि वो राज्यसभा से हैं, तो हो सकता है प्रभात झा को भी, इतने लंबे अपने बीजेपी से जो उन्होंने काम किया है प्रदेश अध्यक्ष रूप में। आप दो नाम बता रहे हैं, प्रहलाद पटेल और कौन सा? राकेश सिंह प्रहलाद पटेल, विकास भदौरिया, ये दो नाम बता रहे हैं ब्रिजेश राजपूत स्टूडियो से। इन दो में से कौन सा एक आपके हिसाब से, या दोनों कौन? ये देखिए, दो जगह खाली हुई है मध्य प्रदेश से, तो दोनों आ सकते हैं। प्रहलाद पटेल को मणिपुर की जीत का इनाम देना है, राकेश सिंह फिलहाल चीफ व्हिप हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश के बीजेपी, सॉरी चीफ व्हिप हैं लोकसभा में बीजेपी के। पिछली बार उनको प्रमोशन मिला था, पिछले विस्तार के बाद ही उनको चीफ व्हिप बनाया गया था। जाहिर तौर पर दोनों का नाम, राकेश सिंह का नाम पिछली बार भी आया था, लेकिन जो जातीय गठबंधन है उसकी वजह से उनका शायद पिछली बार नहीं उनको शामिल किया गया था। इस बार दोनों नाम फिर से प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। प्रभात झा का नाम इसलिए प्रमुखता से लिया जा रहा है, संघ से बेहद करीबी है, राज्यसभा सांसद हैं, और अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, तो ऐसी सूरत में प्रभात झा को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन तीन मंत्री एक साथ आएंगे इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक राज्यसभा सांसद हैं, महाराष्ट्र से हैं मूलतः विनय सहस्त्रबुद्धे, थिंक टैंक माने जाते हैं पार्टी के, और सरकार की भी जो पॉलिसी है पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी रोल, अहम रोल प्ले करते हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको संघ से निकालकर बीजेपी में लेके आए थे, और
उस समय जब वो बीजेपी में आया, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, तब वे महालगी प्रबोधिनी का काम, जो कि मुंबई में संघ की एक संस्था है, उसका काम देखते थे, और खुद प्रधानमंत्री ने आरएसएस प्रमुख से उनको मांगा था पार्टी के काम के लिए। तो पार्टी का थिंक टैंक है, बड़ी ताकत है, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि ब्राह्मण चेहरा है, और मध्य प्रदेश से कई ब्राह्मण पहले से ही मुख्यमंत्री से लेकर और केंद्रीय कैबिनेट में कई चीजों को ध्यान में रखना होगा। आप बता रहे हैं विनय सहस्रबुद्धे, इसके अलावा प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ही लग रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोग इनके आसपास, ये तीन नाम आपने मध्य प्रदेश से बताए हैं, तो यूपी को क्या मिलेगा, बिहार को क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा, ये तमाम आपने जानकारियां सुनी, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो कि रक्षा मंत्री भी हैं, मनोहर पर्रिकर जब गोवा गए तो रक्षा मंत्रालय उनके पास आया, अब वो रक्षा मंत्री के पद से अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या भूमिका रहेगी? तो कल सुबह 10 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना, इससे पहले बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ शिशिर सिन्हा भी है, क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनके पास रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार है। शिशिर, आपको क्या खबर मिली है रक्षा मंत्रालय को लेकर, और वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या भूमिका रहेगी कल 10 बजे के बाद? देखिए अमन, अरुण जेटली के पास दो मंत्रालय नहीं बल्कि तीन मंत्रालय हैं, और तीसरा मंत्रालय कॉरपोरेट अफेयर का है। इस समय में वित्त मंत्रालय से उनकी विदाई लगभग नहीं के बराबर है, और उसकी तीन वजह हैं। पहली चीज़ ये है कि GST अभी लागू हुआ है, अर्थव्यवस्था एक ट्रांजिशन के फेज़ में गुजर रही है। दूसरा यह है कि नोटबंदी का को लेकर के जो आलोचनाएं हुई हैं, और नोटबंदी की वजह से जो कुछ भी असर आया है, वहाँ पर भी एक पुराने जो जिसको हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी जारी रखने की बात है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि GDP यानी कि विकास दर में जो गिरावट आई है, उसके बाद अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह के नए नेतृत्व को लाना वो शायद अच्छा नहीं होगा। यही वजह है कि हमें जो जानकारी मिल रही है कि अरुण जेटली के पास वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय, जो अफेयर मंत्रालय है वो रहेगा, रक्षा मंत्रालय जो है वो उनके पास से चला जाएगा। और इसकी एक झलक इकोनॉमिस्ट के समिट में उन्होंने दे दिया था, जब उनसे पूछा गया था कि कब तक आप रहेंगे, तो बोला था उन्होंने कि शायद ज्यादा लंबे समय तक नहीं। सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन अभी एनडीए में कुछ खटपट की खबरें आ रही हैं। अभी नीतीश का जिक्र हमने किया, और अभी ये खबर है शिवसेना को भी मंत्रिमंडल विस्तार पर ये बयान आया है कि हमें जानकारी नहीं है, कल के लिए न्योता नहीं है। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से बकायदा कहा गया है कि विस्तार पर चर्चा नहीं की है, मुझे मीडिया से कैबिनेट विस्तार के बारे में जानकारी मिली है। पहले शिवसेना सांसद जो है, राज्यसभा सांसद अनिल देसाई, एक बार उनको सुन लेते हैं। बातचीत करना चाहिए किंवा काही बोला कुठच्याही बाबतीमध्ये ठरवायचे अधिकार संपूर्ण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजींचे आहे, यावर उगाच बोलणं बरोबर नाही। यू एज अ सेना पर्सन बीइंग ओल्डर सलाइड, यू माइट बी हैविंग अ काइंड ऑफ एस्पिरेशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टी, राइट? एज अ सेना वर्कर और सेना पर्सन, सी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आवर डिजाइन्स एंड डायरेक्टिव्स आर गिवन बाय उद्धवजी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट एंड वी वर्क ऑन दैट। So that is how we work. नाही, फक्त एकच प्रश्न की आतापर्यंत भाजपकडून तुम्हाला काही संपर्क झाला आहे की नाही? मला जर विचाराल तर तसं काही नाही आहे, पण शिवसेना पक्ष प्रमुखच या बाबतीमध्ये बोलू शकतो, कारण संपर्क तिथं होणं आणि तिथं होणं स्वाभाविक आहे ना। ये राज्यसभा सांसद हैं अनिल देसाई, इनके मंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब तक न्योता ही नहीं मिला, विस्तार पर चर्चा ही नहीं की गई है। उमेश कुमावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, ये हो क्या रहा है, शिवसेना को पता ही नहीं है? नहीं, और इस बात की भी संभावना है कि शिवसेना को जो अब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उसमें जगह ही ना मिले। देखिए, पिछली बार जब विस्तार हो रहा था तब खुद अब राज्यसभा सांसद जो अनिल देसाई बात कर रहे थे, उनकी चर्चा थी और वो तो यहाँ तक आ चुके थे। ऐसा कहा जा रहा था कि अनिल देसाई को न्योता मिल चुका है, वो बॉम्बे से निकले थे, उसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँच चुके थे, लेकिन तब भी हाँ वहीं से वापस भी आए थे। तो इस बार भी, और ऐसा नहीं है, दोनों के बीच अगर शिवसेना और बीजेपी की बात की जाए तो दोनों में काफ़ी अनबन चलती रहती है, जैसे सामना में लगातार आलोचना होती रहती है बीजेपी की। और आज भी उद्धव ठाकरे का जो बयान है आप देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि सेंटर ने देश को निराश किया है। इससे साफ तौर पर उनको भी इस बात का संकेत मिल चुका है कि जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है उसमें शिवसेना को कोई जगह नहीं मिलने वाली, और इसलिए खुलकर उद्धव ठाकरे भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ चुके हैं। विकास, मतलब शिवसेना को जगह नहीं मिल रही है इस मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में कल सुबह जो 10 बजे होना है?
ये देखिए, जब सरकार बनी थी और शिवसेना सरकार में शामिल हुई थी, उस समय जो फार्मूला बनाया गया था, उस फार्मूले के हिसाब से शिवसेना के दो कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री होना चाहिए, लेकिन अभी तक शिवसेना का सिर्फ एक ही कैबिनेट मंत्री अनंत गीते, और उनकी भी परफॉर्मेंस से सरकार बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। हालांकि ये सूचना अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता ने हमको इस बात की ओर इशारा किया कि अनंत गीते की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, और हो सकता है कि शिवसेना को ये भी कहा जाए कि आप अनंत गीते की जगह दूसरा रिप्लेसमेंट बताइए। तो बात केवल शामिल होने से की केवल नए मंत्री को शामिल करने तक नहीं है, बल्कि बात उससे भी ज़्यादा आगे की है कि जो मंत्री अभी एग्जिस्टिंग है उसको भी आप बदलिए। तो जाहिर तौर पर जो शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते हैं वो लगातार खटास भरे बने हुए हैं। दोनों एनडीए में हैं, राज्य और केंद्र में दोनों जगह साथ साथ हैं, लेकिन लगातार तूतू मैं दोनों के बीच होती रहती है, और उसका रिफ्लेक्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के समय और ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिल्कुल। तो विकास भदौरिया एक और जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ एक नए मंत्री आएंगे शिवसेना से, ये तो दूर की बात है, जो मौजूदा मंत्री अनंत गीते उनको भी बदलने के लिए कहा जा सकता है। अनिल देसाई जो पिछली बार दिल्ली तक आ गए थे, एक बार फिर से उनके मंत्री बनने की चर्चा थी, राज्यसभा सांसद हैं, सुनिए एक बार उनको आप। यूनियन कैबिनेट, मैंने सुना यूनियन का इतना बड़ा जोरदार ये हो रहा है, तो यूनियन और शिवसेना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो बाकी यूनियन कैबिनेट के बारे में इसमें भाष्य जो भी है वो उद्धव जी करेंगे एज अ शिवसेना के पक्ष प्रमुख, बाकी किसी के कहने से या मीडिया में इस ये जो गॉसिपिंग चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। पीएम मोदी साहब या सेंटर से कोई कॉल आई, शिवसेना को इनविटेशन, स्वयं उद्धव जी बता सकेंगे उसमें, बाकी तो हमारे जानकारी में कुछ नहीं है। गेल्या वेळेस तुम्ही मंत्री पद सोडलं होतं। तो आपने सुना, हमारी जानकारी में कुछ नहीं है, मतलब शिवसेना को पता ही नहीं है। उमेश, क्या छुट्टी भी हो सकती है अनंत गीते की? मतलब विकास भदौरिया बता रहे हैं कि उनके काम से खुश नहीं है प्रधानमंत्री अनंत गीते के। देखिए, इस बात की भी संभावना हो सकती है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अनंत गीते की अगर छुट्टी होती है तो उसकी जगह अगर रिप्लेसमेंट के तौर पर शिवसेना की तरफ से कोई सामने आता है तो वो नाम अनिल देसाई का ही होगा, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज रहे हैं और काफ़ी निकटवर्ती माने जाते हैं शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के, और इससे पहले भी उनको ही कैबिनेट में जगह देने की बात जो है वो शिवसेना की तरफ से सामने आई थी। तो हो सकता है कि अगर अनंत गीते वहाँ नहीं बनते हैं तो उनकी जगह अनिल देसाई का नाम सामने आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह खबर निकल कर आ रही है कि उधर नीतीश को नहीं पता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, उधर शिवसेना को नहीं पता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, लेकिन कल सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कौन कौन बन सकते हैं ये तस्वीर शायद शाम 5 बजे के बाद थोड़ी साफ होने लगेगी, क्योंकि अमित शाह के घर पर संभावित मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू होगा, और 4:45 बज चुके हैं, 5 बजे के बाद बताया जा रहा था कि अमित शाह के घर में संभावित मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो पाएगा, तब स्थिति और तस्वीर साफ होगी। हमारे साथ विकास भदौरिया अमित शाह के घर के बाहर मौजूद है। विकास, कोई जानकारी कुछ नेताओं के वहां पर आने का सिलसिला, कौन कौन पहुंच सकता है? विकास से बात करेंगे, लेकिन राजकिशोर आपसे यह जानना चाहूंगा, यह हो क्या रहा है? मतलब शिवसेना को नहीं पता, नीतीश को नहीं पता, क्योंकि यहां कहा जा रहा था कि 2019 पर नजर है और 2019 को जहन में रख के ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लेकिन यहां नीतीश को नहीं पता, उधर शिवसेना को नहीं पता। जैसा अभी हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे थे कि मोदी और शाह का जो काम करने का स्टाइल है, शैली है, आपको पसंद हो या नापसंद हो, वो इसी तरीके से करते चले आ रहे हैं। और जहाँ तक रही शिवसेना की बात, तो शिवसेना जब से सरकार बनी है तब से वो नाराजगी दिखाते हैं, तेवर दिखाते हैं, लेकिन करते क्या है, अंततः वो शामिल हो जाते हैं। जदयू की तरफ से जो बात उठाई गई है, तो अगर आप देखेंगे तो जदयू की तरफ से कहीं पर तल्खी नहीं दिखाई गई है। बार बार राजीव रंजन, जिनकी अभी हम लोग दिखा रहे थे राजीव रंजन का बयान, तो कह रहे थे हम उम्मीद करते हैं, लेकिन संविधान ने प्रधानमंत्री को ये विशेषाधिकार दिया है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करते हैं। लेकिन सर, लेकिन प्रकाश, शाम के 4:30 बजे तक उम्मीद की जा रही है, कल सुबह 10 बजे होना है, 17.5 घंटे 18 घंटे रह चुके हैं, अब तक उम्मीद? नए गठबंधन में नई सरकार बनी है बिहार में, और जुम्मा जुम्मा 1 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में बयान आना, और वो भी मीडिया के जरिए कि केसी त्यागी का बयान आता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है,
मंत्रिमंडल विस्तार की, और दूसरी तरफ राजीव रंजन का कि उन्हें उम्मीद है कि जो कुछ होगा विस्तार में उन्हें भी कुछ जगह मिलेगी। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि मीडिया के जरिए जब भी बात होने लगती है तो उसमें कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ी दूरी है इस बात को लेकर। और ये संभावनाएं भी जताई जा रही है कि कहीं इस बार का मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ बीजेपी के नेताओं का ही तो नहीं होगा, ये भी शिवसेना का भी है। ये भी एंगल हो सकता है क्योंकि शिवसेना को नहीं पता, उधर नीतीश को नहीं पता। हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ चुके हैं अमित शाह के घर के बाहर, अब उनसे बात करते हैं। विकास, कोई जानकारी कौन कौन पहुंचने वाला है, ये कोई पहुंचा हो वहां पर? ये देखिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, जो टेंटेटिव टाइम बताया गया था 5 बजे के बाद अमित शाह उन प्रोबेबल मिनिस्टर्स को बुला सकते हैं अपने घर चाय पर, ये हमें हमारे सूत्रों ने जानकारी दी थी। लेकिन हो सकता है कि चूंकि अभी तक लिस्ट सूची फाइनल नहीं हुई है, अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत होगी और उसके बाद सूची फाइनल होगी और उसके बाद ही हो सकता है कि इन लोगों को चाय पर बुलाया जाए। तो जाहिर तौर पर अगर प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो रहा है तो वो प्रोसेस भी डिले हो सकता है कि जिसके तहत अमित शाह उन संभावित मंत्रियों को घर पर बुलाकर मिलें। तो अभी जो टाइम था वो 5:30 बजे के बाद का था, तकरीबन इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 4:45 हो रहे हैं। हो सकता है कि 5 बजे के आसपास लोग आना शुरू हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ी और देर हो। तो तस्वीर जो है वो 5 बजे के बाद थोड़ी और ज्यादा साफ हो पाएगी। मंत्रियों के नाम की लिस्ट अभी फाइनल नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मंत्रियों के नाम की लिस्ट अभी फाइनल नहीं है, यानी कि कल सुबह 10 बजे होना है लेकिन अभी तक लिस्ट फाइनल नहीं है। और शिवसेना को नहीं पता, नीतीश को नहीं पता, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, 5 बजे के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।